तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई। बढ़िया होने चाहिए सबसे, जो राम राम लिखते हो, क्योंकि जब जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होता है। खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं है। ठिकाना इसलिए नहीं है क्योंकि भाई फाइनली प्रेस आके जो लुक्स हैं रियर वाले और फ्रंट वाले और न्यू कलर है वो लीक हो चुका है। बहुत सारी डिटेल्स हैं इस वीडियो में, आपको पता चलेगी। सबसे पहले एक छोटा सा काम आप लोगों ने करना है, ऊपर जो है मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है, फटाफट जाके भाई उसको फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अगर आप मेरे बातचीत करते हो तो बिल्कुल अच्छा लगता है। खैर गाइस, आज तक मैंने ब्रेसा के बारे में जितनी बातें बोली लुक्स रिलेटेड, आज वो सारी की सारी क्लियर हो चुकी हैं। एंड ट्रस्ट मी भैया, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट लुक्स आए हैं ब्रेसा के। और यार देखने के बाद भी ना, मतलब मैंने अभी बस मैंने देखी और आई वाज लाइक भाई साहब ये क्या चीज़ आई है। तो भाई ऐसे ही कुछ लुक्स आए नहीं ब्रेसा 2022 के, तो यार सच्ची में भाई ये लगा लो कि अपनी तरफ से डन डना डन डन है। नीचे जरूर कमेंट में लिख के बताना कि भाई गाड़ी मैं खरीदूँ या ना खरीदूँ, क्योंकि देखो अगर खरीदूंगा तो आप लोगों के लिए कंटेंट आएगा इस गाड़ी पे भी। खैर जो भी है, अपनी स्विफ्ट भी सेल के लिए है, माई स्विफ्ट इज फॉर सेल। इनकेस अगर आपको खरीदनी हो भाई स्विफ्ट, तो आप लोग खरीद सकते हैं। इस वीडियो के एंड में एक छोटा सा डाल दूंगा मेरी स्विफ्ट के बारे में, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। खैर गाइस, आज की जो वीडियो हो रही है ब्रेसा 2022 के, तो बिना नाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, पीछे की बात करूँ तो शायद ये सबसे क्लियर इमेजेस होंगी ब्रेसा 2022 की, एंड सबसे नियरेस्ट भी होंगी ये। यार कुल मिला के ना देखो, पीछे के जो लुक्स हैं वो इतने ज़्यादा अमेजिंग निकाले अब की बार मारुति सुजुकी ने, जिसकी कोई हद नहीं। और यहाँ पे ब्रेसा 2022 में मेरे को पीछे से एक भी परसेंट इसमें कमी नहीं लगती है। सबसे बड़ी मेन बात यह है कि ये जो है ये टॉप एंड वेरियंट नहीं है, ये बेस वेरियंट है। बिकॉज इसमें जो है आपको पीछे दिखेगा कि रियर ग्लास पे वाइपर नहीं है, बेस एंड वेरियंट्स की भी जो है लुक्स लाजवाब हैं दिखने में। तो भाई ये झलकाते हैं कि नई वाली ब्रेसा जो है वो कितनी ज़्यादा लाजवाब है और कितनी ज़्यादा अमेजिंग है। पीछे जो आपको SHVS की जो है हाइब्रिड की बैचिंग मिलने वाली है, तो यहाँ पे ये छोटे मोटे डाउट हैं कि बेस एंड वेरिएंट से ही क्या जो SHVS है या फिर हाइब्रिड है वो स्टार्ट हो जाएगा। नीचे जो है रिफ्लेक्टर्स की प्लेसिंग भी अच्छी करी गई, नो डाउट। रियर पार्किंग सेंसर्स आपको दिख रहे होंगे और वितारा का कोई नामो निशान नहीं है, तो ये चीज़ तो 100% कन्फर्म्ड ही है कि ब्रेसा जो है वो सिंपल उसी नाम से रहनी चाहिए। और गाइस एक चीज़ और मुझे लिख के बताएगा कि पीछे से आपको ये गाड़ी किस गाड़ी जैसी लग रही है। कमिंग टू फ्रंट, तो यहाँ से यार मैं थोड़ा सा अगेन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि फ्रंट में कैसी कुछ है। नो डाउट गाड़ी के जो लुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एग्रेसिव बना दिए गए। अगर आप बगल में देख रहे होंगे तो अर्टिगा खड़ी है, एंड अर्टिगा से अच्छी खासी जो गाड़ी है ये ऊँची लगने लग रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था ये बेस एंड वेरियंट है, तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो है व्हील कवर्स भी नहीं दिए गए। तो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज़ द LXi वेरियंट, एंड LXi वेरियंट में भी जो गाड़ी है मतलब मेरी एटलीस्ट एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रही है। फ्रंट के लुक जो है सामने से ही समझ में आएंगे, क्योंकि इमेजेस में हम लोग इतना पता नहीं लगा सकते। सिंपल जो है हेडलैम्प्स की प्लेसिंग आपको दिख रही होगी, यहाँ पे कोई भी आप लोगों को प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं दिए गए। थोड़ा बहुत क्रोम का जो वर्क है आप लोगों को ग्रिल पे भी देखने को मिलने वाला है, और साथ ही साथ फ्रंट में जो है कुल मिला के गाड़ी जो है ठीक ठाक है फ्रंट से देखने पर पता चलेगा। लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे होंगे तो एक और मेहंदिया कलर, अगर हम इसे लोकल लैंग्वेज में बोले तो मेहंदिया कलर भी जो है वो दिया गया अब की बार, और ड्यूल टोन है। ऊपर जो है व्हाइट कलर आपको मिल रहा है और नीचे जो है मेहंदिया कलर सेम आपको देखने को मिल रहा है, तो ड्यूल कलर भी जो है आपको आपके पर ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। ये देख सकते हो आप टॉप एंड वेरिएंट जो है उसका फ्रंट ऐसा कुछ ऐसा कुछ दिखता है। तो गाड़ी देखो भाई, गाड़ी जो है फाइनली प्रोडक्शन रेडी हो चुकी है, एंड ये प्रोडक्शन रेडी गाड़ी की ही तस्वीरें हैं। तो देखो फ्रंट में अगर मैं बात करूं बेस एंड वेरिएंट में, टॉप एंड वेरिएंट में, तो कुछ खास ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोगों को यहां पे फॉग लैंप जो है मिसिंग देखने को मिल रहा है अपना जो बेस एंड वेरिएंट है। ग्रिल भी ऑलमोस्ट सेम है और हेडलाइट्स मिसिंग है। तो फ्रंट प्रोफाइल में अगर हम बात करें तो इतने कुछ खास ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो इस चीज से आप लोग घबराइएगा मत कि फ्रंट में गाड़ी जो है कैसी कुछ देखने को मिलने वाली है। तो यार कुल मिला के देखो फ्रंट के लुक्स हैं वो कई लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहे, पर्सनली मेरे को भी नहीं आ रहे, बिकॉज पिछली वाली जो थी वो जीप इंस्पायर्ड ग्रिल थी। वी डोंट नो ये किससे इंस्पायर्ड ग्रिल है, लेट्स वेट, क्योंकि रियल इमेजेस जब आएंगी उसी के बाद पता चलेगा हम लोगों को एक्चुअल में कि भाई वितारा ब्रेसा 2022 जो है एक्चुअल में कैसी दिखती है। तो देखो यहां से भी तीन कलर तो 100% कंफर्म हो ही चुके हैं कि कौन से कलर्स बेसिकली आने वाले हैं। एक तो ये मेहंदी हो गया, दूसरा रेड हो गया, जिसकी भी हमने
आपको इमेज दिखाई थी, एंड साथ ही साथ व्हाइट कलर की जो इमेजेस हैं वो कुछ दिन पहले ही लीक ऑलरेडी हो चुकी थी मार्केट में भी। तो यार आज कुछ ये इमेजेस लीक हुई थी एंड पर्सनली पीछे वाला रियर देख के ना भाई मेरे को तो इतना ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि ये डीलर यार्ड में देखी गई हैं, तो अब डीलरशिप्स लेवल पे जो हैं गाड़ियाँ पहुँचनी स्टार्ट हो गई हैं। तो मतलब ये लगा लो कि जो गाड़ी का लॉन्च है वो बहुत ही नज़दीक है एंड गाड़ी जो है वो आने वाली है। अगर वापस मैं आपको एक इंजन पावर ट्रेन्स की और बात आई है यहाँ पे, तो सेम इसमें जो है K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जो न्यू अर्टिगा में यूज़ करा गया वही आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें 102 BHP की पावर मिलेगी एंड 136 NM का पीक टॉर्क आपको देखने को मिलने वाला है। ये सेम इंजन वही है, बस थोड़े बहुत जो हैं अपग्रेड्स करे गए हैं कंपेयर टू अपना K15B जो इंजन आता है उससे, जो एग्जिस्टिंग ब्रेजा में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी नो डाउट अब की बार, यहाँ पे जो है आप लोगों को एक्सपेक्टेड है कि गाड़ी जो है उसकी आपको लगभग 20 के आसपास जो है देखने को मिलने वाली है। और CNG की बात करें तो CNG वाला वर्जन भी आएगा। शाम को मैं पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई गाड़ी में क्या कुछ आपको आने वाला है। ये एक क्विक सी वीडियो थी सो दैट आप लोगों को जो है इमेजेस एक्चुअल में पता चल जाएगा। डिटेल्ड वीडियो देखनी है आप लोगों को सेम उसी ब्रेजा 2022 पे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने प्यार दिखाइएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुरानी गाड़ी से कंपेयर करके बताऊंगा एंड कई सारी चीज़ें जो हैं आपको इस वीडियो में आज देखने को मिलने वाली हैं। तो कुल मिला के भाई दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। लेट्स आप लोग शाम का वेट करिए, आप लोगों को ब्रेजा 2022 के जो हैं शाम के वेट भी देखने को, शाम को भी आपको वीडियो देखने को मिलने वाली है, तो भाई बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? इसमें ब्रेजा 2022 के मोस्टली जितने भी लुक्स थे हमने नियर पास आसपास के आपको सारे दिखाई दिए। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा अगर यहां तक आप लोगों ने वीडियो देख ली, और शाम के लिए वेट कर। सो गाइस जैसे कि आपने देखा होगा ब्रेजा 2022 जो है डीलर्स पे पहुंचनी स्टार्ट हो गई है एंड उसके भाई लुक्स हैं आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो यार कुल मिला के भी जो गाड़ी है बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट है यार। इसके रियर लुक्स की अगर मैं बात करूं भाई, मेरे को तो इतने ज्यादा पसंद आ रहे हैं ना, मतलब रेंज रोवर, लैंड रोवर और इन सब जैसी जो है गाड़ी अब की बार फाइनली मारुति ने बनाई है। तो कुल मिला के भाई हैट्स ऑफ टू मारुति इतना बढ़िया काम करने के लिए। 21 तोपों की सलामी भाई मेरी तरफ से। और मतलब लेट्स सी प्राइसिंग क्या कुछ आती है, मेन तो प्राइसिंग रहेगी बिकॉज इंडियन मार्केट जो है उसमें प्राइसिंग अब सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो बस अब प्राइसिंग के लिए हम लोगों को वेट करना रहेगा कि प्राइस क्या कुछ गाड़ी की है जो आने वाली है। गाइस आज की वीडियो तो इतना ही था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई हो, पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मत जाइएगा। मिलेंगे हम लोग आपसे ऐसी रौनक के लिए, बाय और धन्यवाद। और हाँ, अगर स्विफ्ट आपको परचेज करनी है तो ऊपर इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा होगा, वहां पे जाके जो आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड फिर मैं जो आपको डिटेल्स बता दूंगा कैसे कुछ जो है खर्चिएगा। चलिए बाय। वेल गाइस मेरी स्विफ्ट जो है दैट्स अप फॉर सेल और ऊपर इंस्टाग्राम पे आपके पास आ रहा होगा, इंस्टाग्राम का जो मेरा यूज़र नेम है आप वहाँ पे जाके मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं एंड मेरे से पूछ सकते हैं। देखो गाइस मैं आपको एक जल्दी से इसका क्विक अपडेट बता देता हूँ। बेसिकली ये 2020 मॉडल है अक्टूबर का एंड इस गाड़ी में ऑलमोस्ट 528,000 रुपये का मैंने काम करवा रखा है। ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो आप लोग जाके जो है देख सकते हो और आपको पता भी चल जाएगा कि एक्चुअल में इसमें क्या हो रखा है ऐसा काम। 528,000 का LXI मॉडल था बट ये पूरा का पूरा कन्वर्टेड है टॉप मॉडल में एंड इनफैक्ट टॉप मॉडल से ज़्यादा है। सीटों में मसाजर है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें आपको दिख जाएंगी। तो इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा फेमस है इस गाड़ी का। खैर गाइस इंस्टाग्राम का ऊपर लिंक आ रहा होगा, आपको अगर देखना है तो आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं वहाँ पर डायरेक्टली जाके एंड मैं आप लोगों को जो है बता दूंगा कि मेरी आस्किंग क्या है या फिर मेरी डिमांड क्या कुछ है। चलिए बाय और धन्यवाद।